हेलो, गुड इवनिंग एवरीबॉडी। आज हम लोग ऑप्टिक्स में कुछ छोटे आइटम लिए हैं जो बहुत ही बेसिक है, जिसकी जानकारी बहुत ही ज़रूरी होती है, क्योंकि वेव ऑप्टिक्स हम लोग पढ़ रहे हैं। इसलिए पहला टॉपिक है इंटरफेरेंस ऑफ लाइट एंड सुपर पोजिशन प्रिंसिपल। कहता है कि ये सारा इंटरफेरेंस का मतलब क्या हुआ, दो तीन या उससे अधिक वेव किसी एक जगह जब पहुंचता है तो सब अपना अपना काम करता है, और उस जगह पर सबका कंट्रीब्यूशन रहने के कारण एक रिजल्टेंट मतलब जो वेव तैयार होता है, यानी सब आपस में इंटरफेयर करके, सारे वेव आपस में इंटरफेयर करके एक नया वेव बनता है, और वो आपको मतलब जो रिजल्टेंट होता है ये सभी का। तो कहने का मतलब कि सारा इंटरफेरेंस जो है वह सुपर पोजिशन मतलब प्रिंसिपल पर डिपेंडेंट है। तो क्या होता है, देखिए ठीक से यहाँ लिखे हैं, व्हेन टू और मोर वेव्स रीच ए पॉइंट इन स्पेस, जब दो या दो से अधिक वेव किसी एक पॉइंट पर स्पेस में पहुंचता है, किसी एक पॉइंट पर, दे इंटरफेयर विथ ईच अदर, वो एक दूसरे के साथ इंटरैक्शन करते हैं, इंटरफेयर करते हैं, एंड द रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट एट दिस पॉइंट इज द वेक्टर सम ऑफ डिस्प्लेसमेंट्स ऑफ इंडिविजुअल वेव। यानी सुपर पोजिशन क्या चीज है, इसी चीज को समझाया गया है कि एक पॉइंट पर अगर दो या दो से अधिक वेव पहुंचता है तो सभी एक दूसरे के साथ इंटरफेयर करता है, इंटरैक्शन करता है, और उस जगह जो है रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट जो होता है वो सारे वेव का उस समय जो डिस्प्लेसमेंट होता है उसी का वेक्टर सम होता है, यानी डायरेक्शन कंसीडर करके आपको उसको ऐड करना पड़ेगा, यानी वेक्टर सम होगा। इसी चीज को कहते हैं हम लोग सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। सुपरपोजिशन, दो या दो से अधिक वेव किसी एक पॉइंट पर पहुंचे तो वहां जो रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट होगा, यानी सब मिला के, वह वेक्टर सम होगा सारे इंडिविजुअल मान प्रत्येक वेव का जो अपना अपना डिस्प्लेसमेंट है उसका वेक्टर सम होगा। तो यही आपका रिजल्टेंट वेव का जो डिस्प्लेसमेंट होगा वो सारे इंडिविजुअल वेव के डिस्प्लेसमेंट का वेक्टर सम होगा। इसी को कहा जाता है सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। और ऊपर में क्या लिखा है, द इंटायर फील्ड ऑफ इंटरफेरेंस इज बेस्ड ऑन द सुपरपोजिशन प्रिंसिपल, क्योंकि जहाँ भी कुछ इंटरफेरेंस वाला बात उठती है वेव में तो आपको यही प्रिंसिपल लगाना पड़ेगा, सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। तो यही कहलाता है इंटरफेरेंस ऑफ लाइट एंड सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। आज दूसरा है कोहरेंट एंड इनकोहरेंट सोर्सेस ऑफ लाइट। लाइट का जो सोर्स होता है वो कोहरेंट भी हो सकता है और इनकोहरेंट भी हो सकता है। तो कोहरेंट किसे कहते हैं, कोहरेंट सोर्स,
कोहरेंट सोर्स का मतलब हुआ कोई एक सोर्स जिसके सारे फोटॉन्स जो हैं, लाइट का तो मतलब फोटोन हुआ, तो जिसके सारे फोटोन एक ही फेज में वाइब्रेट करता है वैसे सोर्स को कहते हैं कोहरेंट सोर्स। फिर एक बार सुन लीजिए, किसी लाइट सोर्स का, कोई एक लाइट सोर्स की पहले बात करते हैं, कोई एक लाइट सोर्स का माने वो सोर्स कोहरेंट कब होगा, तो कहने का मतलब उस लाइट सोर्स का अगर प्रत्येक फोटोन जो है वह एक ही फेज में अगर वाइब्रेट या ऑसिलेट करता है तो ऐसे सोर्स को कहा जाता है कोहरेंट सोर्स। और जब उस सोर्स का डिफरेंट फोटॉन्स में कोई तारतम्य में नहीं है, यानी फेज में नहीं वो वाइब्रेट करता है, कोई ऊपर जा रहा है तो मान लीजिए दूसरा नीचे आ रहा है, तो ये कोई तारतम्य में नहीं हुआ, तो कहने का मतलब जो उस टाइप की बात हो कि फोटॉन्स के किसी सोर्स के फोटॉन्स के आपस में मतलब जो ये फोटॉन्स आपस में इस तरह वाइब्रेट करते हैं कि वो फेज में नहीं रहता है, तो आपको मतलब जो ऐसे सोर्स को इनकोहरेंट सोर्स कहते हैं। अच्छा, इसीलिए लिखा हुआ है इनकोहरेंट सोर्सेस एमिट लाइट विथ फ्रीक्वेंट एंड रैंडम चेंजेज ऑफ फेज बिटवीन द फोटॉन। वो फ्रीक्वेंटली माने बार बार चेंज करेगा और रैंडम मतलब जो चेंज उसमें होगा उसके फेज में, तो ऐसे सोर्स को हम कहेंगे इनकोहरेंट सोर्स। कोहरेंट सोर्स का मतलब सारे फोटॉन्स एक फेज में मतलब जो वाइब्रेट करते हैं, यानी सारे का फेज डिफरेंस नहीं रहता है, सेम फेज में रहता है, इसका मतलब हुआ। और इनकोहरेंट सोर्स में क्या है कि उसका फोटॉन्स जो है वो एकदम फ्रीक्वेंट एंड रैंडम चेंज होता है उसके फेज में, इसीलिए उसको इनकोहरेंट सोर्स कहते हैं। एग्जाम्पल देखिए, एग्जाम्पल ऑफ कोहरेंट सोर्स है लेजर लाइट। लेजर लाइट के सारे फोटोन जो हैं वो एक फेज में ही ऑसिलेट करते हैं, इसीलिए वो बहुत शक्तिशाली होता है। कोई लोहा या कोई मेटल में वो छेद तक कर सकता है, इतना ज़्यादा एनर्जी होता है कोहरेंट सोर्स में। तो इसीलिए आप तो जानते होंगे कि जो लेजर ऑपरेशन हो रहा है, तो यानी उससे कहने का मतलब इतना वो शक्तिशाली है वो वेव कोहरेंट सोर्स वाला कि जिससे कोई चीज़ काटा भी जा सकता है, क्योंकि सारा का सारा फोटॉन्स जो है सेम फेज में ऑसिलेट करता है। इसीलिए लेजर लाइट याद रखिएगा कोहरेंट सोर्स का एग्जाम्पल है। अच्छा, इनकोहरेंट सोर्स जितना और हम लोग लाइट देखते हैं, ये बल्ब तो वो ट्यूब तो कैंडल लाइट या ट्यूब लाइट, हाँ ये सारा मतलब आपको जहाँ सनलाइट सॉरी सूरज से जो रोशनी आती है वो इनकोहरेंट सोर्स है। कोई तारतम्य एक दूसरे फोटोन से एक फोटोन से दूसरे फोटोन का नहीं रहता है, इसलिए ये जो भी लाइट हम लोग माने यूज करते हैं जिसका, वो सारा समझिए इनकोहरेंट सोर्स है। तो यही हुआ एग्जाम्पल। अब है ये तो एक सोर्स की बात किए कोहरेंट सोर्स होगा कि इनकोहरेंट। अब है दो सोर्स की बात कीजिए। जब दो कहता है इफ द टू सोर्सेज आर कोहरेंट, यदि दो सोर्स कोहरेंट है, इसका मतलब
कि इसका मतलब ये हुआ देन द फेज डिफरेंस एट एनी पॉइंट विल नॉट चेंज विथ टाइम। तब उन दोनों का जो है फेज डिफरेंस रहेगा, मान लीजिए फेज डिफरेंस रहेगा दोनों सोर्स में, लेकिन वह फेज डिफरेंस कांस्टेंट रहेगा, चेंज नहीं करेगा किसी भी मतलब जो पॉइंट पर। तो उससे होता क्या है, उससे हम लोगों को वी विल हैव ए स्टेबल इंटरफेरेंस पैटर्न। तो आगे तो एक्चुअली इंटरफेरेंस का आप देखिएगा कैसे वो पैटर्न बनता है। तो यहाँ पर खाली एक मोटा मोटी समझ लीजिए कि स्टेबल इंटरफेरेंस पैटर्न बनता है यदि दो कोहरेंट सोर्स, हाँ यदि दो सोर्स कोहरेंट है तो उसके फेज में जो डिफरेंस होगा वह हर हमेशा मान लीजिए कांस्टेंट होगा। और जब स्टेबल एंड वी विल हैव स्टेबल इंटरफेरेंस पैटर्न, स्टेबल इंटरफेरेंस पैटर्न का मतलब ये हुआ, ठीक से समझिए कि जैसे दो सोर्स ऑफ लाइट, आगे देखिएगा यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में इसका यूज होगा, दो सोर्स ऑफ लाइट जो आपस में कोहरेंट हो तो वो जो बनाएगा, मान लीजिए दीवार पर वो दोनों लाइट हम दे रहे हैं तो जो बनाएगा मतलब पैटर्न, सो मान लीजिए कि कहीं पर व्हाइट पट्टी बुझाएगा, फ्रिंज उसको कहते हैं पट्टी को, कहीं व्हाइट बुझाएगा बगल में डार्क, फिर व्हाइट, फिर डार्क, फिर व्हाइट, ऐसे ही अल्टरनेट करके वह इंटरफेरेंस पैटर्न बनाएगा, लेकिन वो स्टेबल होगा। कहने का मतलब जहाँ पर ब्राइट है ब्राइट रहेगा, उसी को मैक्सिमा कहते हैं, ब्राइट पट्टी उसके बाद डार्क पट्टी उसी को मिनिमा कहते हैं। तो आगे जानिएगा कि मैक्सिमा और मिनिमा कैसे होता है। यहाँ मेन बात यह है कि अगर दो कोहरेंट सोर्स ऑफ लाइट इंटरफेयर करके जो पैटर्न बनाता है इंटरफेरेंस पैटर्न, वो उसमें मैक्सिमा और मिनिमा जो होता है वो स्टेबल होता है, वो अपना चेंज नहीं करता है। लेकिन दो लाइट अगर ये इनकोहरेंट लाइट अगर हो तो उसका मतलब जो चेंज करते रहेगा, अभी यहाँ पर मान लीजिए ब्राइट लग रहा है तो फिर उसके बाद में वो डार्क लगेगा, मतलब इस टाइप का होता है। तो ये बात को भी आगे समझिएगा ठीक से, खाली यहाँ अभी एक आइडिया दे दिया गया कि मैक्सिमा मिनिमा किसे कहते हैं और सोर्स जो है दो सोर्स कब कोहरेंट कहलाता है, एक सोर्स कब कोहरेंट कहलाता है, और दोनों टाइप का कोहरेंट सोर्स का एग्जांपल और इनकोहरेंट सोर्स का एग्जांपल दोनों दिया हुआ है। इनकोहरेंट का मतलब हुआ हम लोग जो सनलाइट या बल्ब लाइट या ट्यूब लाइट या कैंडल लाइट या जो भी लाइट देखते हैं सब इनकोहरेंट सोर्स है, ओनली लेजर लाइट जो है वो कोहरेंट सोर्स है। कोहरेंट इनकोहरेंट किसको कहते हैं वो तो आपको बता ही दिए हैं। तो मैं समझता हूँ कि आप समझ गए होंगे, और अगर आपको पसंद है तो आप इसे लाइक कर देंगे, और अगर सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल बजा देंगे ताकि मेरा वीडियो आपके पास जाता रहेगा और आपका अध्ययन चलता रहेगा, स्टडी चलता रहेगा। और दूसरे को भी व्हाट्सएप वगैरह से भेजना चाहते हैं तो भेज दिए ताकि उस बच्चे को भी मदद हो। दैट्स ऑल, थैंक यू।